पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में हमारा जीवन इस ब्रह्मांड में कैसे स्थापित हो सके। हम जब जीवन को प्राप्त किए हैं तो हमारा जीवन राम कृष्ण जैसा यादगार बने, हमारा जीवन लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती जैसा सात्विक आध्यात्मिक चेतना से जुड़ करके आगे बढ़ता हुआ हम सब पूरे विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़े, ऐसा सहज मार्ग अपनाते हुए आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड स्थित लालगंज के पवित्र गांव में हम सब शिव मंदिर के प्रांगण में बैठ करके 5 दिनों तक योगाभ्यास किया। आज 5वें दिन आरोग्य यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। तो आज हम सभी ईश्वर की स्तुति करेंगे। आंखें बंद करें, मन शांत, एक बार ओम का उच्चारण। आप सभी धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और ध्यान मैं जो शब्द बोलूंगा उस पे रखने का प्रयास करेंगे। आपका ध्यान अभी कहीं पे ना जाए, आप सशरीर सारे इंद्रियों सहित इस पवित्र यज्ञ में बैठे हैं। ऐसे विराट यज्ञ में जीवन में कभी कभी किसी को मौका मिलता है बैठने का, तो आइए हम सभी धन्य हैं। हम सभी परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कैसे 5 दिनों के तप के बाद ऐसे विराट अनुष्ठान हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो आइए आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भरेंगे। आप देवयज्ञ अग्निहोत्र विधि से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र से ईश्वर की स्तुति करेंगे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रम तन आसुव तू सर्वेश सकल सुखदाता सुत्र स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढींग आता है, सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजे, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता परितेकयासीत् सदाधार पृथ्वीम धाम तेमा कस्मै देवाय हविषा विधेमा, तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है, पहले था यह भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम ययात्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रति समयस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमा, तू ही आत्म ज्ञान बलदाता शेष विश्व गण गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्व के द्राजा जगतो बभुवा यह इसे दुपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेमा, तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रज कर निज महिमा प्रगटाई है, अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंट लेकर सब चरणों में आते हैं। ओम येन भैरुग्रा पृथ्वी चंद्रहा येन येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय हविषा विधेमः, तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलक लखाया है, तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न तुझे तान्यो विश्व जातानि परिता बभूवः यत कामास्ते जुम्बक्तनोस्तु स्वयं श्याम पतयो रे नामः, तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तो ही समाया है, जैसे तन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है, हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, हेतु रहित अनुराग दीदियों यही भक्त को भाया है। ओम सन्नोग दुजरिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसा धृत्य धामज
रेंता। तू गुरु है प्रदेश भी तू है, पाप पूर्ण फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का जाता है। ओम अग्ने न सुपता रायस्मान विश्वानि देव वैवनानी विद्वान यो युद्ध मच्छुराणि मेनो भ्रष्टान्ते नम उक्तिम विदेमा। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार। तू ही रसना निश दिन रटे तुभी को मन में बसना सदा। तू ही अब अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, मृदा पुरुषोत्तम श्री राम।